चलो मॉडिफाइड ओपिनियन को ना आपको शोले स्टाइल में समझाता हूँ एकदम, ठीक है? तो शोले मूवी देखी है ना, सुपर डुपर हिट मूवी एकदम। तो उसमें एक सीन आता है जिसमें जो हेमा मालिनी की माँ होती है वो अमिताभ बच्चन से पूछ रही होती है धर्मेंद्र के बारे में कि बताओ वो लड़का कैसा था। तो उससे अमिताभ बच्चन क्या कहता है, मैं क्या बताऊं माँ जी, बहुत अच्छा लड़का है माँ जी, बहुत अच्छा लड़का है माँ जी, बस दारू पीता है बाकी सब ठीक है। माँ बोलती है क्या दारू पीता है? अरे नहीं माँ जी, सब ठीक है माँ जी, बहुत बढ़िया लड़का है माँ जी, बहुत अच्छा है माँ जी। क्या है कि वो पिछले साल उसकी माशुका उसे छोड़ के चली गई थी, इसलिए गम में दारू पीता है। अच्छा क्या उसका पिछले साल गर्लफ्रेंड भी थी? अरे नहीं माँ जी, सब कुछ अच्छा है माँ जी, बहुत अच्छा है माँ जी, बस क्या है कि वो थोड़ा जुआ वगैरह खेलता था, हार गया इसलिए गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई थी, इसलिए दारू पीता है। तो आपको पता है वहां पे क्या कर रहा है, वहां पे क्या कर रहा है अमिताभ बच्चन, वहां पे मिस्टर अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र के बारे में क्वालिफाइड ओपिनियन जाहिर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्वालिफाइड ओपिनियन जाहिर कर रहे हैं कि सब कुछ सही है, बस यही दिक्कत है, सब कुछ सही है बस यही दिक्कत है। सो व्हाट इज डूइंग इज ही इज एक्सप्रेसिंग ए क्वालिफाइड ओपिनियन, ठीक है ना? तो ऑडिटर साहब भी जब क्वालिफाइड ओपिनियन की रिपोर्टिंग करते हैं ना, तो वो इसी तरीके से रिपोर्टिंग करते हैं, एज पर द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑब्टेन बाय अस वी रिपोर्ट दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर। पहले तो मतलब यूजर्स को दिखाते हैं सब अच्छा है सब अच्छा है सब अच्छा है, एज पर द इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन ऑब्टेन बाय अस वी रिपोर्ट दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर, उसके बाद अपने रिजर्वेशन को पॉइंट आउट करते हैं, एक्सेप्ट फॉर, ठीक है ना, एक्सेप्ट फॉर, फिर जाके वो अपने रिजर्वेशन को पॉइंट आउट करते हैं। अगर वहीं पे मिस्टर अमिताभ बच्चन ने कुछ इस तरीके से कह दिया होता, माँ जी वो जो लड़का है ना, एक नंबर का बेवरा है, दारूबाज है, जुआरी है और कोई काम का नहीं है, तो इसका मतलब वहां पे कोई पॉजिटिव एश्योरेंस स्टार्टिंग में दिया ही नहीं, वहां पे सीधा सीधी बोल दिया कि लड़का गया हुआ है, गॉन कैसे? तो वो हो गया एडवर्स ओपिनियन, वो हो गया एडवर्स ओपिनियन, जहां पे अपन बोलते हैं कि भैया बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर फाउंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। सीधा सीधी बोला फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे नहीं रहा, जबकि क्वालिफाइड में बोला कि नहीं भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर दे रहा है एक्सेप्ट फॉर दिस एंड दिस दिस एंड दिस रिजर्वेशन, राइट? और अगर वहां पे मिस्टर अमिताभ कहते धर्मेंद्र के बारे में, माँ जी मैं उस लड़के को नहीं जानता, मैं उस लड़के को नहीं जानता, मेरा उतना बातचीत नहीं है, लेकिन उसकी जो हरकतें हैं मार्केट में जो सुनने को मिलता है उसकी हरकतें देखकर तो लगता है कि गॉन केस है, बट मैं उसको पर्सनली नहीं जानता, मुझे उसके बारे में कोई एविडेंस नहीं है, तो इसलिए मैं उसके बारे में एविडेंस ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर सकता, मैं बता नहीं सकता कि वो लड़का कैसा है, तो इसका मतलब मिस्टर अमिताभ दे रहे होते हैं वहां पे डिस्क्लेमर, ठीक है ना, कि मेरे को तो इन्फॉर्मेशन मिला ही नहीं, उसके बेसिस में मैं ओपिनियन फ्रेम ही नहीं कर सकता, लेकिन मेरे को लगता है कि गॉन केस है ना, मेरे को लगता है कि गॉन केस है। और यहां गॉन केस का मतलब क्या होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो मिस स्टेटमेंट्स मिल रहा है वो मटेरियल है, परवेसिव भी है, ठीक है? और अगर मुझे एविडेंसेस नहीं मिल पा रहा, तो जो पोटेंशियल इफेक्ट है उस पर्टिकुलर मिस स्टेटमेंट का वो मटेरियल भी है, परवेसिव भी है। दैट इज व्हाट आई एम मीनिंग बाय गॉन केस, मतलब एकदम वर्स्ट, एकदम वर्स्ट, है ना, कि जो मिस स्टेटमेंट मिला वो मटेरियल भी है, परवेसिव भी है, और मैं मेरे पास एविडेंसेस भी है, मैं कंक्लूड भी कर पा रहा हूं, मतलब एडवर्स ओपिनियन। मेरे को मिस स्टेटमेंट मिला ही नहीं है, मेरे को एविडेंस मिला ही नहीं है, और पोटेंशियल इफेक्ट जो है ना वो मेरे को लग रहा है कि जो लाइकलीहुड है वो ऐसा है कि यार जो मिस स्टेटमेंट होगा वो मटेरियल भी रहेगा, उसका परवेसिव इंपैक्ट भी रहेगा। डिस्क्लेमर डिस्क्लेमर। बट इन एनी सिनेरियो अगर मैं कहूं कि भैया जो मिस स्टेटमेंट है वो मटेरियल है बट एज सच परवेसिव नहीं है, उसका परवेसिव प्रभाव नहीं है पूरे फाइनेंशियल्स में, वो फैला हुआ नहीं है पूरे फाइनेंशियल में, वो स्प्रेड नहीं है, तब क्वालिफाइड ओपिनियन। यानी आप एक चीज और याद रख सकते हो कि क्वालिफाइड ओपिनियन का दो पॉइंट होगा, एक एविडेंसेज लिया, एविडेंसेस लिया, मिस स्टेटमेंट मटेरियल है परवेसिव नहीं है, दूसरा एविडेंस नहीं मिला, एविडेंस नहीं मिला बट जो पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट का प्रभाव है वो मटेरियल है बट परवेसिव नहीं है। बट एडवर्स का एक ही पॉइंट आएगा, एडवर्स का एक ही पॉइंट आएगा कि भैया जो मिस स्टेटमेंट है वो मटेरियल है परवेसिव है, मुझे एविडेंस मिला है उस रिगार्ड में। और डिस्क्लेमर का भी एक ही पॉइंट आएगा कि भैया मैं एविडेंसेस ऑब्टेन ही नहीं कर पाया बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो पोटेंशियल इफेक्ट होने वाला है मिस स्टेटमेंट का वो मटेरियल भी रहेगा, वो परवेसिव भी रहेगा, तो वो वहां पे हो जाएगा डिस्क्लेमर।